ओके स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 यूनिट 1 के साथ। ओके चैप्टर 3 यूनिट 1। चैप्टर 3 में क्या है? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। उसमें स्पेसिफिकली प्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन कहाँ पे दिया हुआ है? यूनिट 1 में, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है यूनिट 1। तो सबसे पहले प्रोडक्शन मतलब क्या है इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब अर्निंग मोटिव शुड बी देयर। ओके फॉर क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी प्रोडक्शन बोलोगे, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फिर भी प्रोडक्शन बोलोगे। फिर एक डेफिनेशन आई है स्टडी मटेरियल में, जेम्स बेट्स एंड जे आर पार्किंसन इनकी। प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों को इंक्लूड किया है, ओनली गुड्स नहीं है प्रोडक्शन में, सर्विसेज को भी इंक्लूड किया है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई द डिमांड फॉर सच ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज। ओके अब क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी को भी आप प्रोडक्शन बोलते हो। तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी का कुछ डिस्कशन आया है। फॉर्म यूटिलिटी, अगर फॉर्म चेंज कर रहे हो तो प्लेस यूटिलिटी कैसे क्रिएट होगी? प्लेस चेंज कर रहे हो रिसोर्स की। टाइम यूटिलिटी, मेकिंग अवेलेबल मटेरियल्स एट टाइम्स व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल। पर्सनल और सर्विस यूटिलिटी मतलब आपके पर्सनल स्किल्स यूज कर सर्विसेज देना। देन प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये समझ गया। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। ओके दोनों को लिया है, गुड्स को भी सर्विसेज को भी। क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी को भी प्रोडक्शन बोलोगे। आगे क्या दिया है? प्रोडक्शन डजंट इंक्लूड वर्क डन विद इन हाउस होल्ड बाय एनी वन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। मतलब मॉनिटरी मोटिव नहीं है। अगर लव अफेक्शन वॉलंटरी सर्विसेज दे रहे हो या फिर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो ये सब चीजें आप प्रोडक्शन में नहीं लेने वाले हो। क्या क्या? आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, वॉलंटरी सर्विसेज, गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सो इंटेंशन टू एक्सचेंज इन द मार्केट शुड बी प्रेजेंट, अगर प्रोडक्शन बोलना है तो। सो प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया तो उसको आप प्रोडक्शन वर्ड में इंक्लूड नहीं करोगे। और वही गुड्स आपने प्रोड्यूस किए है विद द इंटेंशन टू एक्सचेंज इन द मार्केट, then we'll call it as a production. Factors of production कौन कौन से? Land, labor, capital, entrepreneur. उनके rewards land के लिए rent, labor के लिए wages or salaries, capital के लिए interest और entrepreneur के लिए profit. अब एक एक detail में देखेंगे factors of production. Land में क्या क्या आएगा? All free gifts of nature. सिर्फ land मतलब land नहीं है, उसके beside दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है? Resources आएंगे, सॉइल की फर्टिलिटी, वाटर, एयर, लाइट, हीट, नेचुरल वेजिटेशन, सब कुछ आएगा। जो जो आपको फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मिला है सब कुछ लैंड में आएगा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, इट इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ओके किसी ने मैनमेड बनाया हुआ चीज नहीं है वो। ओके फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। देन टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी। ओके फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी आ जाए तो परफेक्टली इनइलास्टिक है, और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म है तो रिलेटिवली इलास्टिक। क्यों ऐसा? क्योंकि इकोनॉमी की यूजुअली जो भी लैंड का सप्लाई है वो एकदम से इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं कर सकते हो, इसीलिए परफेक्टली इनइलास्टिक बोला इकोनॉमी के केस में। और फर्म का इंडिविजुअली जब चाहे तब थोड़ा सा लैंड का एरिया ज्यादा ले सकते हैं, थोड़ा सा एल आउट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं सप्लाई, सो रिलेटिवली इलास्टिक बोला है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो लैंड हैज सर्टन ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रिक्टिबल पावर्स। देन पैसिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर मतलब सिर्फ लैंड अवेलेबल है उससे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी लगेंगे साथ में तभी कुछ कर पाओगे। देन जियोग्राफिकली इमोबाइल है, एक जगह से दूसरे जगह पर पीस ऑफ लैंड लेकर नहीं जा सकते हो। यूजेस मल्टीपल है। देन हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब डिफर करता है क्वालिटी में सिंगल पीस ऑफ लैंड। देन नेक्स्ट इज लेबर। अब लेबर के बारे में क्या बोला? मींस एनी मेंटल और फिजिकल एग्जर्शन डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। तो मेंटल भी आया और फिजिकल एग्जर्शन दोनों आए हैं। और एक चीज क्या है कि मनी मोटिव शुड बी देयर। ओके अर्निंग मनी
ये इंटेंशन होना चाहिए, आप टाइम पास के लिए कर रहे हो, मजे के लिए कर रहे हो, ओके, तो हम उसको उस फिजिकल एग्जर्शन, मेंटल एग्जर्शन को लेबर नहीं बोलेंगे. अर्निंग मोटिव शुड बी प्रेजेंट. देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कनेक्टेड विथ ह्यूमन एफर्ट, सही है, पेरिशेबल है, स्टोर करके नहीं रख सकते हो, ओके, आपका जो भी लेबर वर्क है उसको स्टोर नहीं कर सकते हो, सो इट इज पेरिशेबल. एक्टिव फैक्टर है, एक बार लेबरर्स काम पे आ जाए तो काम आगे बढ़ता है, काम शुरू हो जाता है. लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर, जो लेबरर है उससे अलग नहीं कर सकते उसके लेबर वर्क को. जो भी लेबर पावर है डिफर करती है फ्रॉम लेबरर टू लेबरर. ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव, हर जो भी लेबर वर्क चल रहा है प्रोडक्टिव हो ऐसा जरूरी नहीं है. पुअर बार्गेनिंग पावर बोला है, मतलब ये लोग साथ में नहीं होती है ना, ओके, साथ में नहीं होते तो पुअर बार्गेनिंग पावर, वेज रेट अच्छा मांग नहीं पाते. बट इन रियलिटी राइट नाउ बहुत सारे यूनियंस वगैरह होते हैं लेबरर्स के भी, तो अच्छी खासी बार्गेनिंग पावर है, बट स्टडी मटेरियल में अभी तक पुअर बार्गेनिंग पावर बोला है, ओके, तो उस हिसाब से ही लेंगे. लेबर इज मोबाइल, ऑक्यूपेशनली भी आप चेंज कर सकते हो उनका जो भी काम है, और जियोग्राफिकली भी आप दूसरी तरफ भेज सकते हो. सो लेबर इज मोबाइल, देर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर. सडन ऐसे चेंज नहीं कर सकते हो, अचानक से आप बहुत जरूरत है, ज्यादा सप्लाई नहीं ला सकते हो लेबर का. देन आपका जो भी सप्लाई कर्व ऑफ लेबर है वो कैसा होता है? बैकवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग शेप, सही है. इसको हमने कहाँ पे पढ़ा है? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई में. सो चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर, दैट इज नथिंग बट बैकवर्ड बेंडिंग शेप होता है सप्लाई कर्व ऑफ लेबर का. अब यहाँ तक लेबर का डिस्कशन हुआ, इसके आगे कैपिटल. कैपिटल रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ वेल्थ दैट इज यूज इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, मतलब आपका जो भी वेल्थ है उसमें से जो जो चीजें आप बिजनेस में लगाते हो, बिजनेस में यूज करते हो, उनको सबको कैपिटल बोलोगे, ओके. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, इनएक्टिव फैक्टर दैट इज पैसिव फैक्टर बोल सकते हो, सिर्फ कैपिटल है बाकी फैक्टर्स नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता है कैपिटल, ओके, अदर फैक्टर्स लगेंगे. सारा की सारा कैपिटल वेल्थ का पार्ट होता है, ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल, सही है. जरूरी नहीं है आपकी वेल्थ में जो भी है हर चीज आप बिजनेस में यूज करो, ओके, बट जो भी बिजनेस में पुट करते हो उसको कैपिटल बोलते हो. जो भी आप कैपिटल बोलते हो वो बाय डिफॉल्ट वेल्थ तो है, ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल, ओके. इट इज ह्यूमन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मोबिलिटी हाई है, सप्लाई ऑफ कैपिटल कम ज्यादा कर सकते हो. कैपिटल हैज अ वैल्यू बिकॉज इट इज नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड या फिर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नहीं है, मैन मेड फैक्टर है ना, तो इसको कुछ वैल्यू है. आगे आया था डिस्कशन टाइप्स ऑफ कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल, ऐसा कैपिटल जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है आपके पास, ड्यूरेबल, रेंडर्स इट्स सर्विसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मशीनरीज, प्लांट्स, ओके. देन सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, मतलब ऐसा कैपिटल का पार्ट जो प्रोडक्शन में सिंगल यूज में ही खत्म हो जाएगा, ओके, बाद में अवेलेबल नहीं रहेगा, इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर यूज, तो रॉ मटेरियल, पावर एंड फ्यूल बोल सकते हो. देन रियल कैपिटल, रियल कैपिटल मतलब फिजिकल गुड्स जो भी रहेंगे आपके, बिल्डिंग प्लांट. ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन स्किल्स एंड एबिलिटीज. टैंजिबल विच कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस. इनटैंजिबल जो नहीं देख सकते हो, परसीव्ड बाय सेंसेस नहीं है, ओके. बट कैसे होते हैं सर्टन राइट्स एंड बेनिफिट्स, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, वो आएंगे. नेक्स्ट इंडिविजुअल कैपिटल, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी हो किसी की, इंडिविजुअल की या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. सोशल कैपिटल विच बिलोंग टू सोसाइटी एज अ होल, रोड्स एंड ब्रिजेस आएंगे यहाँ पर, ओके. बाइफर्केशन एकदम इजी है, क्वेश्चन आता है तो आसानी से बाइफर्केट कर सकते हो. कैपिटल फॉर्मेशन, आगे कुछ कैपिटल फॉर्मेशन नाम का आया था. कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या है? सस्टेन्ड इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन द कंट्री. रियल कैपिटल मतलब ये बिल्डिंग प्लांट ये सब, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक हो उसका, ओके. सस्टेन्ड इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन द कंट्री मतलब बेसिकली
बिजनेसेस में लोगों का इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, दैट टू इन रियल कैपिटल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सब चीजों में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो और बढ़ता जाए वो सस्टेनेबली, तो उसको बोलोगे कैपिटल फॉर्मेशन। तो स्टेजेस है कुछ कैपिटल फॉर्मेशन के, पहले सेविंग, फिर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, और एट लास्ट इन्वेस्टमेंट। देन इसके बाद एंटरप्रेन्योर का डिस्कशन आया। एंटरप्रेन्योर में फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस, इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, देन रिस्क बियरिंग, अनसर्टेनिटी बियरिंग, इनोवेशन। और जब जब इनोवेशन आएगा, कौन से इकोनॉमिस्ट का नाम आता है, आप कैसे भी प्रोनाउंस करो, ओके शुम्पिटर ऐसे प्रोनाउंस करते हो सो दैट उसका स्पेलिंग याद रहे, ओके। देन एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव, पहली चीज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, मतलब सर्वाइव कर पाओ, ग्रो कर पाओ, फिर एक्सपांशन का सोचोगे, ओके। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का दिमाग में रहेगा। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी के लिए कुछ तो आप करना चाहिए। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, एम्प्लॉयज है आपके, उनके लिए कुछ करो। एंड एट द एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव, कंप्लीट इकोनॉमी के लिए, आपके नेशन के लिए कुछ करो। ये एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन, नेशनल। इसके बाद एंटरप्राइजेस कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या है, तो लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, बहुत बार नहीं होती इंफॉर्मेशन, नॉलेज भी नहीं होता है, और कभी कभी क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय द स्टेट ऑन द प्रोडक्शन प्राइस मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स, प्रॉब्लम आ जाती, कुछ कर नहीं सकते हो आप। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अच्छा जहां पर आप कर रहे हो एंटरप्राइज सेटअप। चेंजेस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, देन इन्फ्लेशन, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, ओके। बेसिकली देखो तो ये कंस्ट्रेंट्स में ये चीजें आपके हाथ में नहीं है, ओके आपके हाथ में नहीं है, आपको प्रॉब्लम कर रही है। बट देन एंटरप्राइज प्रॉब्लम, अब एंटरप्राइज के खुद के क्या प्रॉब्लम है, पहली चीज ऑब्जेक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम, सी प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव। अब प्रॉब्लम क्या है, आप एक ऑब्जेक्टिव देखने जाते हो, समझो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हो, मे बी पॉसिबिलिटी आपका सोशल ऑब्जेक्टिव उसमें फुलफिल नहीं हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दो ऑब्जेक्टिव में, किसको चुने, किसको प्रायोरिटी दे, ओके दैट विल बी द प्रॉब्लम। देन लोकेशन, साइज ऑफ प्लांट, लोकेशन कौन सी चूज करे, कौन से लेवल पर, स्केल पर काम करे। देन सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटीज ऑर्गेनाइज करना, सिलेक्ट करना। देन फाइनेंस, पैसा कहाँ से लाए बिजनेस सेटअप करने के लिए, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है ना फाइनेंस के लिए, तो कहाँ से एग्जैक्टली अरेंज करें, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। देन मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, प्रमोशन कैसे करना है, प्राइस क्या सेट करें, प्लेस कौन सी होगी, ओके। और बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज भी आपको पूरे करने होते, देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन करने होते, तभी जाके आप बिजनेस में सस्टेन कर पाओगे। तो ये कुछ सिलेक्टिव दिए हुए, इतने ही प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। देन इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट का डिस्कशन आया, इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट का डिस्कशन आया। क्या करेंगे पहले, उसके पहले हम लोग ये देख लेंगे कि ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, ओके। जो चैप्टर फोर में आया है एक्चुअली डिटेल्ड डिस्कशन, बट अब चैप्टर फोर भी कंप्लीट हुआ है तो सबको अच्छे से पता है। दो कॉस्ट का डिस्कशन है, क्या एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट ओके। तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज नथिंग बट योर अकाउंटिंग कॉस्ट, मतलब एक्चुअली आपके जेब से पैसे जा रहे हैं, एक्चुअली आपके जेब से पैसे जा रहे हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हो, इसी को आप अकाउंटिंग कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल क्या बोला था मैंने कि आपने ओनर ने इंटरप्रेन्योर ने खुद की बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज की. ओके, तो बिजनेस से पैसे तो लिए नहीं, खुद की बिजनेस खुद के बिजनेस के लिए खुद ने खुद की बिल्डिंग लगा दी. ओके, तो बिजनेस से तो पैसे लिए नहीं है रेंट के बिल्डिंग के लिए. और वही बिल्डिंग अगर किसी और को देते तो अपॉर्चुनिटी थी ना कुछ रेंट मिल जाए. तो जो आपको रेंट मिल सकता था दैट विल बी योर इम्प्लीसिट कॉस्ट. आपने अपॉर्चुनिटी फॉरगो की. ओके, और इकोनॉमिक्स में इनका कहना है कि वो भी पैसे कंसिडर करो, आपको मिल सकते थे वो पैसे रेंट के. अब आपने खुद के बिजनेस में वो जगह यूज किए, बिल्डिंग यूज किए, तो नहीं मिल रहे हैं पैसे, तो कोई चीज इनकम आती हुई रुक गई है, दैट इज योर काइंड ऑफ लॉस. तो उसको कॉस्ट में लिख दिया है. ओके, इसलिए उसको कॉस्ट में, दैट विल बी कॉल्ड एज योर इम्प्लीसिट कॉस्ट. ओके, फिर आगे बात आती है इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट. ओके, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट दोनों के लिए टोटल रेवेन्यू लगेगा. पहले कितना सेल्स हुआ है आपका, टोटल रेवेन्यू कितना अमाउंट आया, उसमें से लेस करोगे इकोनॉमिक प्रॉफिट के टाइम इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग प्रॉफिट के टाइम अकाउंटिंग कॉस्ट. अब क्या है, ये अकाउंटिंग कॉस्ट तो पता है आपको, बट इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट इज एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, दोनों को कंसिडर करो. ओके, दोनों कॉस्ट को कंसिडर करो तो आपका बन जाएगा इकोनॉमिक कॉस्ट. तो इस पर से ये बोल सकते हैं हम कि अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है हमेशा ज्यादा रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन योर इकोनॉमिक प्रॉफिट. पढ़ा है हमने क्यों? तो ऑलवेज आपका इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों चीजें कंसिडर करते हो ना, ज्यादा रहेगा किससे? आपके अकाउंटिंग कॉस्ट से. ओके, पूरा ही डिस्कशन ले लिया, पढ़ते चलो वहां पे क्या दिया है. इकोनॉमिक प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, बट टोटल कॉस्ट हियर कॉस्ट इंक्लूड बोथ एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, दोनों को लिया है. अकाउंटिंग प्रॉफिट कंसिडर्स ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट. देखो, अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते वक्त सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही अकाउंटिंग कॉस्ट बोला जाता है, व्हाइल इकोनॉमिक प्रॉफिट रिफ्लेक्स एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, दोनों भी आते हैं. तो इम्प्लिसिट का मीनिंग दिया इन्होंने, द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स यूज्ड बाय द एंटरप्रेन्योर इन हीज ओन बिजनेस. यहाँ पे डिटेल में क्यों नहीं आया डिस्कशन, क्योंकि थ्योरी ऑफ कॉस्ट दैट इज यूनिट 2 जो है चैप्टर 3 का, वहां पे डिस्कशन आया. अब ऑलरेडी पता है सब, इसलिए इतना सब डिटेल में बातें की है आपके साथ. ओके, नेक्स्ट बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. अब हमने चैप्टर 4 भी पढ़ लिया है. नॉर्मल प्रॉफिट को हम जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं. आई होप सबको याद है. ओके, आई होप सबको याद है. नॉर्मल प्रॉफिट कब बोलते हो? जब टोटल रेवेन्यू आपका एग्जैक्टली इक्वल है किसके? टोटल कॉस्ट के, तो आप बोलते हो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया. क्यों ऐसे बोलते हो नॉर्मल प्रॉफिट? तो टोटल कॉस्ट में इकोनॉमिक्स में टोटल कॉस्ट में हम इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दोनों लेते हैं, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट. ओके, दैट इम्प्लिसिट यहाँ पे ना बहुत सारा पार्ट किस चीज का होता है? सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स, जिनका क्या आपको मिला रहता बेनिफिट, जो अपॉर्चुनिटी आपने फोरगो की उसका कॉस्ट पकड़ते हो. ओके, देखने को तो क्या दिख रहा है? कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, बट हम वर्डिंग क्या यूज करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट. और इसी को आप जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोल सकते हो. ओके, और जब आपका टोटल रेवेन्यू ज्यादा हो टोटल कॉस्ट के, तो यू विल कॉल इट एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट.
क्या बोलते हो? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो? पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। ओके, देख लेते। नॉर्मल प्रॉफिट इज व्हाट अ बिजनेस ओनर कंसिडर्स एज द मिनिमम नेसेसरी टू कंटिन्यू इन द बिजनेस। सी, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जीरो इकोनॉमिक, मतलब क्या है, बिजनेस ओनर को जितना एक्सपेक्टेशन है ना, मिनिमम मिल गया। एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक प्रॉफिट, मतलब बेसिकली आपका कुछ तो पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट आ रहा है तभी इकोनॉमिक प्रॉफिट बोला है, जीरो वर्ड यूज नहीं किया है। और एबनॉर्मल प्रॉफिट इज ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट, उससे ज्यादा रहेगा। सही बात है। इट इज अर्न वेन टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। सही है। कब मिलेगा? जब टोटल रेवेन्यू ज्यादा है टोटल कॉस्ट से। यहाँ पर टोटल कॉस्ट में इन्होंने बोला है इंक्लूड अ रिवार्ड टू ऑल फैक्टर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब क्या बोलना है, टोटल कॉस्ट में इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दोनों लिया है। ओके, इसीलिए नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट भी आया है टोटल कॉस्ट में, ऐसे कहना है इनका। देन इसके आगे जाते हैं, शॉर्ट रन पीरियड, लॉन्ग रन पीरियड। लॉन्ग रन को प्लानिंग हॉरिजॉन भी बोला जाता है। देन शॉर्ट रन कब बोलोगे? एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट यूज्ड रिमेन्स अनचेंज, मतलब एटलीस्ट कोई फैक्टर फिक्स होना चाहिए, एटलीस्ट कोई एक फैक्टर। ज्यादा फैक्टर्स फिक्स हो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, मिनिमम एक तो फैक्टर फिक्स होना चाहिए तभी हम शॉर्ट रन बोलेंगे। और लॉन्ग रन कब बोलोगे? व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सबके सब वेरिएबल, तो लॉन्ग रन बोलोगे। शॉर्ट रन का कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन का कौन सा है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। फिर से, शॉर्ट रन का लॉ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन का लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। देन इसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन आया था कॉब डुगलास प्रोडक्शन फंक्शन, तो इसका इक्वेशन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्यू इज इक्वल टू के इंटू एल टू द पावर ए इंटू सी टू द पावर 1 माइनस ए। अब ये क्या कहना है इनको एग्जैक्टली? इनका कंक्लूजन ऐसा है, पहली चीज कि लेबर और कैपिटल ही आपको आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी फैक्टर्स को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया नहीं, सिर्फ लेबर और कैपिटल को दिया। और उतने में इनका कंक्लूजन ऐसा है कि लेबर कंट्रीब्यूट कितना करता है? 3/4, और कैपिटल कितना? 1/4, किसमें? इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। तो बहुत बार एग्जाम में आपको बोलेंगे कि कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ कॉब डुगलास प्रोडक्शन फंक्शन से, कि लेबर कितना कंट्रीब्यूट करता है, कैपिटल कितना। तो बहुत बार 3/4 1/4 तो नहीं देते, 75% ऑप्शन, 25%। कंफ्यूज नहीं होना है, 3/4 इज नथिंग बट 75%, 1/4 इज नथिंग बट 25%, या फिर 0.75 ऐसा भी देंगे, 0.25 ऐसा भी देंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ 3/4 1/4 करेक्ट है ऐसा भी नहीं समझना है, मीनिंग तो सेम है, 75% 25% वर्ड यूज होता है तो। और एक चीज ये याद रखनी, लेबर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा बोला है एज कंपेयर टू कैपिटल, क्योंकि लेबर को उन्होंने क्या बोला है? 3/4। ये भी याद रखना है कि कॉब डुगलास का क्या कहना है, लेबर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है कैपिटल से। और दूसरी चीज, सिर्फ लेबर और कैपिटल का ही कंट्रीब्यूशन होता है ऐसा इनका कहना है। इसके आगे आगे गए डिस्कशन में, टीपी एपी एमपी पढ़ा। टीपी इज टोटल प्रोडक्ट, टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम एफर्ट्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंबाइंड टुगेदर। बेसिकली एडिशनल 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 जो होते हैं ना आपके, एमपी एमपी एमपी, सारे एमपी ऐड करो मार्जिनल प्रोडक्ट्स, तो आपको टोटल प्रोडक्शन मिल जाएगा, टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट इज टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। तो एपी निकालना है तो टीपी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर करते हो। देन मार्जिनल प्रोडक्ट दैट इज एमपी, इट इज एडिशन मेड टू टोटल प्रोडक्शन बाय एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। एमपी का फॉर्मूला टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। समझो एग्जाम में अगर चेंज जो है नंबर ऑफ यूनिट्स में, यूनिट जो भी है इनपुट के,
चेंज इज मोर देन वन यूनिट रहा, तो कैसा वाला फॉर्मूला यूज करते हो? इफ चेंज इज मोर देन वन यूनिट तो एमपी का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टीपी अपॉन जो भी आपका डेल्टा क्यू, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी है उसमें क्या चेंज आया। ओके, इफ सिंगल यूनिट का हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, और मोर देन वन यूनिट हो तो डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू यूज करोगे। ओके, आई होप सबको याद आ रहा है। इसके आगे शॉर्ट रन का हमारा जो लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो देखने वाले, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो पहले उसके अजम्पशंस देखने वाले, अजम्पशंस के पहले नाम क्या क्या है उसको वो पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो सबको पता है, इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोला जाता है, इसी को लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर वर्ड यूज हुआ है, रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन का लॉ है, यहाँ पर रिटर्न्स टू फैक्टर वर्ड आया है। ओके, कंफ्यूजन कर कर नहीं लेना है। नेक्स्ट, तो अजम्पशंस क्या है ये, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, नाम कुछ भी दे दे, तो टेक्नोलॉजी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, ये पहला अजम्पशन है, क्योंकि चेंज हो जाएगी तो आपका वो प्रोडक्शन उसी हिसाब से चेंज होगा। और लॉ डजंट अप्लाई टू द केसेस व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर चेंज्ड, मुझे बोलो ऑल द फैक्टर्स आर चेंज्ड तो ये हो जाएगा लॉन्ग रन, सही है? ऑल फैक्टर्स आर चेंज्ड बोलो तो लॉन्ग रन हो जाएगा, तो इनका क्या कहना है, लॉन्ग रन में अप्लाई नहीं होता ये लॉ, लॉन्ग रन में अप्लाई नहीं होता है, इसी का मतलब क्या है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन शॉर्ट रन। ओके, सीधे से नहीं बताई बात। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नो फिक्स प्रोपोर्शन, मतलब मैंने इतने इनपुट्स इतने परसेंट से बढ़ाया तो उतने ही परसेंट से मेरा आउटपुट बढ़ा, ऐसे सेम नहीं रहेगा, सेम रहेगा तो हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं देख पाएंगे। ओके, सो नो फिक्स प्रोपोर्शन, व्हेन इनपुट्स आर यूज इन फिक्स प्रोपोर्शन दिस लॉ डजेंट ऑपरेट, ऑपरेट ही नहीं होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स दिख के ही नहीं आएंगे। और एक क्या चीज है, हमने सिर्फ यहाँ पे फिजिकल इनपुट और आउटपुट की बातें की है, इकोनॉमिक या फिर मॉनिटरी टर्म्स में कुछ भी बात नहीं है, ओनली क्वांटिटेटिव डिस्कशन, वो भी इनपुट आउटपुट के फिजिकल क्वांटिटी की बातें। ओके, सो इकोनॉमिक या फिर मॉनिटरी टर्म्स में कुछ भी डिस्कशन नहीं है इस लॉ में। देन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल व्हेन सम फैक्टर्स आर वेरिएबल एटलीस्ट वन इज फिक्स, मतलब शॉर्ट रन ही बोलना है इनको, कि एक तो भी फैक्टर फिक्स होना चाहिए, या फिर इसी को कैसे बोल सकते हो, सम आर फिक्स सम आर वेरिएबल, कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स, हमको क्या चाहिए, मिनिमम एक तो भी फिक्स होना चाहिए तभी हम शॉर्ट रन बोलेंगे। और जब ग्राफ ड्रॉ करने जाते हो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के लिए, ओके, तो क्या करते हो, एक्स एक्सिस पर वेरिएबल इनपुट्स लेते हो और वाई एक्सिस पर टीपी एपी एमपी लेते हो। एक बार आपको दिखा दूं, देखो यहाँ पर आपका आउटपुट है वाई एक्सिस पर, दैट इज टीपी एमपी, और एपी के आप जो भी वैल्यूज है आपके वो दिखाओगे वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या कर रहे हो, अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ओके, वेरिएबल इनपुट कितने यूज कर रहे हो, ओके, वो दिखा रहे हो एक्स एक्सिस पर। एक एक स्टेज डिस्कस करेंगे, स्टेज डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे एक एक पॉइंट रीड करने वाले हो डायग्राम भी साथ में दिखाऊंगी। ओके, या फिर क्या करते हैं, नॉर्मल टर्म्स में पहले डायग्राम में डिस्कशन कर लेते हैं फिर ये रीड करेंगे। सी स्टेज वन का डिस्कशन, स्टेज वन में क्या है आपका, टीपी इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग अच्छे खासे रेट से इंक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ तक, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वहां से आगे भी इंक्रीज ही हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से, इंक्रीज ही हो रहा है टीपी बट रेट जो है वो थोड़ा कम हो गया है इंक्रीज का। ओके, और ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, बराबर उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट, मतलब जहां पर योर एमपी इज मैक्सिमम, ओके, वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो एमपी का देखो भला, एमपी क्या हुआ है, इंक्रीज 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 मैक्सिमम गया और फिर फॉल होना भी शुरू हो गया फर्स्ट स्टेज में ही। एमपी क्या हुआ, राइज हुआ राइज हुआ, मैक्सिमम गया और फॉल होना भी फर्स्ट स्टेज में ही शुरू हो गया, और आपका जो एपी कर्व है थ्रू आउट दिस स्टेज इंक्रीजिंग, पूरे स्टेज में इंक्रीजिंग है, और स्टेज वन जहां पर एंड हो रहा है वहां पर आपका
एपी मैक्सिमम है, एपी क्या है मैक्सिमम, और क्या हो रहा है एपी और एमपी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एपी और एमपी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, मैक्सिमम कौन है एपी, एमपी तो पहले ही मैक्सिमम होकर चला गया था, क्लियर रखो, एमपी पहले ही हाईएस्ट पॉइंट रीच कर फॉल हो चुका है, ओके तो ये स्टेज वन का जो भी पढ़ा है। और एक ऑब्जर्वेशन हमेशा आता है स्टेज वन जब पढ़ते हो, क्या है थ्रू आउट दिस स्टेज, ये जो स्टेज वन है ना पूरे स्टेज वन में आपने क्या देखा है, एमपी इज अबव एपी या फिर एमपी इज ग्रेटर देन एपी, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए बोल रही हूँ, इस पर क्वेश्चन आता है इसलिए बोल रही हूँ। रीड करते हैं, चलो क्या बोला है देखो, स्टेज वन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, टीपी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग रेट फर्स्ट, कहाँ तक, टिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देन इंक्रीजेस, इंक्रीज ही हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से, रेट कम हो गया है इंक्रीज का, देन एमपी राइजेस फर्स्ट रीचेस मैक्सिमम स्टार्ट फॉलिंग, उसी स्टेज में सब कुछ हो गया, और पूरे स्टेज में जैसे मैंने बोला एमपी इज मोर देन एपी, और एपी का क्या है, एपी तो कंटिन्यूसली राइजिंग है पहले स्टेज में, ओके स्टेज वन एंड्स वेयर एपी इज मैक्सिमम, ये भी देखा, जहां पर एमपी एपी एक दूसरे को कट करते हैं या फिर इंटरसेक्ट होते हैं ऐसा बोल सकते हो, ओके देन दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज, अच्छे से अब स्टेज का नाम देख लो, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स या फिर स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोलूंगी मैं, लॉ वर्ड यूज करना गलत होगा यहाँ पे, जो भी वर्डिंग आया है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स या फिर स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर rather than law, stage of increasing returns, stage of increasing returns to factor, then stage two की बात करते, पहले देख लेते stage two के बारे में बात करेंगे, देखो stage two में तो आपका TP बढ़ ही रहा है, increasing ही है throughout the stage, और at the end of the stage maximum reach कर गया है TP, okay, और जो increase का rate है वो कम ही है इसके आगे, एमपी तो कंटिन्यूअसली फॉलिंग है, एमपी तो कंटिन्यूअसली फॉलिंग और एट द एंड ऑफ द स्टेज एमपी बिकम जीरो, हां मतलब स्टेज टू कहां पर एंड हो रहा है, जहां पे आपका टीपी मैक्सिमम और आपका एमपी हो गया है जीरो, ओके देन एपी का क्या डिस्कशन है, एपी भी कंटिन्यूअसली फॉलिंग है, एपी भी कंटिन्यूअसली फॉलिंग, बट एपी तो कभी भी जीरो नहीं होता है, तो गलती से भी मत बोलना एपी जीरो चला गया एमपी के जैसे, एपी कभी भी एवरेज प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, आई होप याद है, ओके तो एमपी और एपी दोनों भी फॉलिंग है, हाँ एमपी जीरो चला गया स्टेज टू के एंड में, और एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि इस स्टेज टू में योर एपी इज मोर देन एमपी, पहले स्टेज में क्या था एमपी मोर देन एपी था, सेकेंड स्टेज में उल्टा हो गया, एपी ऊपर है एमपी बिलो है, ओके तो देखते हैं क्या लिखा है, स्टेज टू के बारे में, स्टेज टू स्टार्ट्स आफ्टर मैक्स ऑफ एपी, स्टेज वन खत्म कहां पे हुआ था मैक्सिमम ऑफ एपी, तो वहीं से स्टेज टू शुरू हुआ है, टीपी इज राइजिंग विथ डिमिनिशिंग रेट, सही है राइजिंग ही था, MP is less than AP. See, MP is less than AP या फिर AP is more than MP, कुछ भी बोलो, और दोनों फॉलिंग है AP और MP, और स्टेज वन का स्टेज टू कहाँ पे एंड हो रहा है, when TP is maximum MP is zero, okay, stage two is called stage of operation, क्योंकि आपको कहाँ तक ऑपरेट करना है स्टेज टू के एंड तक, that's it, स्टेज थ्री में तो जाना नहीं है, स्टेज वन में भी रुकना नहीं है, तो स्टेज टू इज द स्टेज ऑफ ऑपरेशन, इसको क्या बोलते हो, अगेन यहाँ पे लॉ वर्ड नहीं होना चाहिए, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स, ओके, और नाम इसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों आया, रीजन देखो, ये स्टेज टू ही स्टेज ऑफ ऑपरेशन है और इस स्टेज को स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोला जाता है, इसीलिए नाम ऐसा पड़ा लॉ का, देन स्टेज थ्री का देखते क्या है,
स्टेज थ्री में तो टीपी आपका फॉलिंग है, स्टेज थ्री में एपी भी फॉलिंग है, बट जीरो नहीं गए हैं, जीरो जाता भी नहीं है, एपी जीरो नहीं जाता है, नेगेटिव जाने की तो बात ही नहीं आती, और एमपी बिकम्स नेगेटिव स्टेज थ्री में। स्टेज थ्री ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, टीपी एपी फॉलिंग एंड एमपी इज नेगेटिव। स्टेज थ्री को नाम है स्टेज ऑफ, अगेन वर्डिंग, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स और स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ओके, आई होप स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री सारा कुछ उस डायग्राम का समझ में आ गया है। डायग्राम पर क्वेश्चन आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, वो एमपी मोर देन एपी, एपी ग्रेटर देन एमपी कौन से स्टेज में होता है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है, इसकी क्लैरिटी रखो, बाकी चीजें आप अच्छे से याद रख लेते हो, ये कंफ्यूज होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आई होप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सबको एकदम अच्छे से रिवाइज हो गया है।